निवेदन है कि हम रोज की तरह भंडारा घूम चुका है लगाया गया तो ये विजयदशमी के दिन से था और कब तक चलेगा ये भगवान को पता। जे कौन लगा रहा है, जे किस तरफ से लगाया जा रहा है और जे कितने बजे लगता है? ये जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से लंगर का आयोजन किया जाता है, सब लोगों का सहयोग आता है और 1 बजे ये शुरू होता है और जब तक ये 500 आदमियों का भोजन चलता रहता है तब तक ये लंगर भी चलता रहता है रोज। तो जी कब तक भगवान की कृपा रहेगी? पहले तो हरिद्वार में ही था, अब हमारी कोशिश है कि यहाँ जो बस स्टैंड में लोग दूर दराज से आते हैं, कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है प्रसाद की, कोई वैष्णव लोग होते हैं जिनको ब्याज थूम के बिना खाना पड़ता है, उनको भी वहाँ कोई सुविधा नहीं होती कि जो हम जो प्रसाद बनाते हैं बिल्कुल शुद्ध बिना लहसुन प्याज के बनता है, जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए भी सुविधा है और जो बाहर से कई लोग ऐसे आते हैं जिनके पास धनराशि की परेशानी होती है, वो पेट भर खाना नहीं खा सकते, तो उसी के निर्णय हमारे होम शास्त्री जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जो लंगर है ये चलता रहेगा। अभी तो 3 चीज़ों का परिधान है, आगे इनकी यही इच्छा है कम से कम 7-8 चीज़ें प्रसाद में बनेंगी। अभी तो 500 आदमी का व्यवस्था है, आगे जाकर कोई 1100 आदमी तक ये प्रसाद चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा भगवान की कृपा से। जैसे इन्होंने हरिद्वार में हर चीज़ की सुविधा वहाँ की है, वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और बहुत प्रसन्न होकर जाते हैं और जहाँ अभी अभी वो 10-15 दिन ही हुए हैं मगर लोगों का जो बाहर से मैसेज है वो बहुत बड़ा है, इससे क्या जम्मू का हमारा नाम आता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है हमारे स्कूल के बच्चे जो आते हैं सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं और 8 बजे स्कूल में पहुँचते हैं, तो उनके लिए भी ये मैं ये मैसेज दूंगा जो भी यहाँ स्कूल के बच्चे हैं वो आएँ प्रसाद खाएँ और प्रसाद खाने से बुद्धि जो है तेज होती है, ये मेरा नहीं शास्त्र कहता है, इससे क्या है सारे काम पूर्ण होते हैं। और हमारे में आज सुजाना जी आई हैं जो टूरिज्म डायरेक्टर हैं, जैन डायरेक्टर हैं, वो आगे की जो इसकी रूप यदि है वो बताएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म भी हैं, हमारी सुगंधी भी आए हैं। हम अभी यही बात कह रहे थे कि जिस तरीके से स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं और जिन लोगों को एक किस्म से जो दिहाड़ीदार है वो भी आ रहे हैं और हमारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं जो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं और जो बसेज यहाँ रुक रही हैं, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से हम अपना टूरिज़्म प्रमोशनल मटेरियल भी यहाँ पे रखेंगे। और जिस तरीके से पवन शास्त्री जी ने एक इतनी खूबसूरत पहल की है तो मुझे लगता है कि जिन डेस्टिनेशंस का लोगों को पता भी नहीं होता है वो जब यहाँ देखेंगे तो वो अपना प्लान जो है वो और आगे जो है वो एडवांस कर सकते हैं। तो ये एक गढ़ माना जाता है, यहाँ से ही टूरिस्ट निकलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा यहाँ का प्रचार, जैसे ये लंगर चलता है और ये लगातार चलता रहेगा तो जिस तरीके से प्रचार शुरू होता है तो जम्मू टूरिज़्म के भी यहाँ पे पब्लिसिटी मटेरियल भी रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यहाँ से इन लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए भी एक टीम हो जो आगे उनको गाइड कर सके कि किस तरीके से बाकी जगहों पर भी वो जाके आनंद ले सकते हैं, चाहे सनासर पत्नीटॉप हो, चाहे पंचहरी हो जो इतनी खूबसूरत लोकेशन है। तो ये एक बहुत ही अहम प्लेस है मैं मानती हूँ और जो बच्चे जिस तरीके से देखा यहाँ पे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी, उनके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो मैं ये कहूँगी कि ये तो एक शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए सपोर्ट सिस्टम है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ।